स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं। देख सकते हैं जाने के टाइम कितना पानी था, सारा पानी चला गया है। हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पैसिफिक पर। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग अपना रास्ता भटक गए थे और गलती से मैंग्रोव की झाड़ियों में घुस गए थे। बाद में एक गाइड मिला जिसके हेल्प से हम बीच तक पहुंचे। दोस्तों, हाई टाइड में ट्रैक थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि कहीं कहीं पानी ज़्यादा होता है जो सामने से पता नहीं चलता और आप अचानक पानी में घुस सकते हो। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे एक ग्रुप मेंबर के साथ हुआ और वो वेस्ट तक पानी में घुस गए। इधर रुके हो, इधर कम पानी है। पहुंच चुके हैं बस थोड़ी दूर में बालू नजर आ चुका है। मेरा पैंट भींग चुका है पानी में। यस, देख सकते हैं हम बालू के पास पहुंच चुके हैं। देखिए, मेरा पैर घुस जा रहा बालू में। गड्ढा किधर था? बहुत ही मजा आ रहा है हमें, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बीच देख सकते हैं। सकते हैं यहाँ का नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, आप कर सकते हैं। कपड़े भी मिल रहे हैं यहाँ पर, नारियल भी है। ये कुछ क्या थे प्राइस, कितना नारियल का? कैसे भी है नारियल? 70। बहुत ज्यादा क्राउड है यहाँ।
स्नॉर्कलिंग करने वाले हैं। अब स्नॉर्कलिंग करने वाले हम लोग। दोस्तों शायद इसी हाथी के कारण इस बीच का नाम एलिफेंट बीच पड़ा है। पहले यहाँ 2-3 और हाथी हुआ करते थे। अगर आप अंडमान विजिट करते हैं और आप इस बीच पर जाते हैं तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको एलिफेंट मिल सकता है वहाँ। आज देख सकते हैं जाने के टाइम कितना पानी था। अभी देख सकते हैं सारा पानी चला गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।